सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज लेके आए हम आपके लिए एक न्यू वीडियो, वो भी ऐसे खूबसूरत से रोड से। और दोस्तों, आपको बता दूँ, इस टाइम पहुंचने वाले हम भुंतर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक मतलब भुंतर यहाँ से भी 8-10 किलोमीटर रह गया है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक छोटा सा मतलब ग्रुप राइड होने वाली है। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। और जाना कहाँ है अभी हमारा कोई भी मतलब प्लान नहीं है। और आज हम कहाँ जाएंगे नो आइडिया। बट अभी जो हमारे साथ और है वो अभी दूर से आ रहा है थोड़ा। तो मतलब अभी तकरीबन तकरीबन जहाँ मतलब इजली कोई पर्सन 1 घंटे से पहुँच सकता है, मैंने वहाँ के लिए 1.5 घंटा लगा लिया है और अभी भी हम पहुँचे नहीं है। तो यही रीज़न है आज हमारा आराम से चलने का। तो दोस्तों, आई होप अब एंगल भी थोड़ा सही हो गया होगा, बिकॉज मुझे थोड़ी एंगल की होती है, बिकॉज नहीं तो फिर वीडियो बनाने के बाद काटनी पड़ती है, वो तो मतलब अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आगे रोड आ रही है नहीं आ रही है। और बाइक ही आती है फिर मतलब आगे का वही आता है और नीचे रोड आता है, तो उस पर मुझे जान ही आता ना फिर। तो मतलब इसी करके थोड़ी ऐसी वीडियो आनी चाहिए ताकि रोड भी आए। और आई होप दोस्तों मेरी वॉइस भी आ रही होगी, बिकॉज पिछले एक ब्लॉग मतलब इतना अच्छा बना है ना, क्या ही बताऊँगा दोस्तों आपको। वो भी मेरे एडिट करने को है, उसमें वॉइस नहीं आई है, पता नहीं क्या लोचा हो गया होगा। तो अब मेरा ये भी पता नहीं है, उसको एडिट करने का टाइम लगेगा। और दोस्तों, बाकी एडिट करने का तो कुछ नहीं, जो वॉइस होती है ना, वॉइस डालने के लिए अकेला होना पड़ता है, बिकॉज़ ये जॉब के साथ पॉसिबल नहीं है। तो और भी रहते हैं रूम में, तो फिर आप किसी दूसरे को कैसे बोल सकते हैं कि यार थोड़ी देर बात मत कर। वो ऊपर से एडिटिंग में पता भी नहीं है कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। तो ऐसा है दोस्तों, और फिलहाल अपनी हम जो भी इधर उधर की बातें वो छोड़ते हैं। और ये देख सकते हो आप, गौ माता कहाँ बैठी है बीच में, कोई स्पीड में ना आए और कुछ करना दे गौ माता को। इसमें दोनों का खतरा बना रहेगा, गौ माता का और जो आएगा वो भी। तो ये है कुछ सामने का खूबसूरत व्यू, और अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, हमें एक बाइक का ग्रुप मिल गया, एक जो आगे हमारे चला है अभी, अभी हम इनके साथ राइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी इनके साथ राइड अच्छी रहे। तो और ये दोस्तों मतलब आजकल मोटो ब्लॉग, यार खुद से कितनी बात कर सकता है एक बंदा, तो इसलिए मैं बीच में चुप हो जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती कि मेरी वीडियो ऑन है या बंद है। तो इसीलिए मैं बीच में कुछ वीडियो में मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देता हूँ, जो कि हमारे पास एक ही है, उसी में अपने शेयर वगैरह दो, क्रेडिट वगैरह दो, और वही फिर हो जाता है विदाउट कॉपीराइट। बट और सॉन्ग कोई डाउनलोड करना, उसमें बड़ा भारी लोचा है, इतनी मुझे समझ नहीं आते, फिर भी वो मैं कर भी लेता हूँ, और उसके बाद दोबारा कॉपीराइट क्लेम होता है, वो तो फिर दिल ही टूट जाता है वहाँ। और ये बात है दोस्तों, जो ग्रुप है वो पीछे रह गया, शायद यहीं तक थे, नो आइडिया बाकी। तो दोस्तों, एक हमें ग्रुप और मिल गया हिमालयन वाला, तो मैं भी जब तक हमारा ग्रुप हमें नहीं मिलता तो ये इनके साथ राइड कर लेते हैं। वैसे मेरे को लग रहा है कि राइड भी अच्छी होगी, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा, क्या भोगे हुए हैं। और ये हम भी भाग जाते हैं थोड़े बहुत, क्या बात होगी, हिमालयन 350 और 160 का मुकाबला, और ये बंदे गए कहाँ, कुछ नहीं है वहाँ। और ये देख सकते हो आप, आगे आए हो बच्चे, क्लियर दिख रही होगी बाइक, HP 34 नंबर है, बाकी नीचे का तो नहीं दिख रहा है। मेरे को बाइक इसकी हालत भी मेरे को खस्ते लग रहे बाबा, के साथ निकलता हूँ,
क्या बोलती है पब्लिक। तो दोस्तों एक बार द्वारा पकड़ ली हमने अच्छी खासी स्पीड, और ये एक बार द्वारा कम होती हुई, मुझे नहीं पता क्यों आगे थोड़ा ट्रैफिक लगा और ये देखना वो बटे क्या है खतरनाक। और ये ऐसा नहीं बेशक दौड़ाते हैं, बहुत दौड़ाते हैं, मतलब जितनी दौड़ा सकते हैं, बट कंट्रोल ना हो तो क्या ही फायदा दौड़ाने का, इसलिए उतनी हम दौड़ाते नहीं कि जहाँ हमें लगे कि कंट्रोल ना हो या कुछ उल्टा सीधा हो। उस करके हम अब भाई साहब के साथ साथ ही लगते ज़रा, हम भी ले पाएंगे वो टिफिन से कि नहीं। देखा बड़े सब कुछ देख के। तो दोस्तों यहाँ है अपना डेविल, जब से हम आए हम फ्रेंड का वेट कर रहे हैं बुंतर में, और ये है हमारे भाई जो कि हमारे दोस्त बन गया, सब्सक्राइबर भी बन गया है, ये इनके यहाँ पे गन्ने का बिजनेस है, और 30 रुपीज़ का एक गिलास है, तो ये आपको मिल जाएगा मणिकर्ण रोड में। और ये हम भाई साहब जो कि बड़े कच्चे बंदे यार, काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ बैठा हूँ। तो अगर आप भी ये गर्मियों में जूस पीना चाहते हो तो आप इस आ सकते हो आप ये मणिकर्ण रोड में, और यहाँ पे व्यू भी कुछ बेरहम ही है। आप देख सकते हो सामने बड़ा पहाड़ और ये पार्वती नदी, और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे आप भी आ सकते हो। जब भी आप मणिकर्ण रोड में आ रहे हो तो मणिकर्ण से मतलब रोड में उसी रोड में हार्डली 1/2 किलोमीटर होगा भुंतर से आगे, तो यहाँ पर अपने भाई यहाँ आप ज़रूर आइए, गन्ने का जूस पीजिए और ठंडक ठंडक शांति मिलेगी आपको इस जूस को पी के। और ये अपने भाई, क्या नाम है भाई का? विकी भाई। और ये हमारे सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं। तो दोस्तों आखिर 12-1 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 3, तो हमने भाइयों के साथ यहाँ पे अच्छे खासा टाइम बिताया, अच्छे खासे फ्रेंड भी बन गए, तो आप भी आ सकते हो यहाँ दोस्तों। अगर कोई कसोल या मणिकरण आ रहा हो तो बस मेन रोड से यही है साथ में, और बाकी अब हमारा फ्रेंड भी आने वाला ही है, मैं भी पहुँच ही गया होगा भुंतर, हमारे भी 2 मिनट ही लगेंगे यहाँ से भुंतर के लिए। और ये पहुँचते ही जैसे हम बाइक में बैठे की कटप्पा शुरू, हमें जैसे भगाने की आग लगी होती है यार अंदर से, नहीं पता नहीं क्यों यार, अपना डेविल बहुत प्यारा है यार, बाबा मुझे बहुत प्यार है अपने डेविल से। और बाकी दोस्तों आज की प्लान राइड हमारी प्लान हो चुकी है, तो वो मैं आपको बस जस्ट आगे बताता हूँ, कहीं अच्छी जगह रुके, आई होप वॉइस आ रही हो, क्योंकि बाद में मुझे बहुत दिक्कत आती है वॉइस वो करने में, और मैं भूल भी जाता हूँ किस टाइम पे हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि वो सीन हो दोस्तों। और बाकी मिलते हैं अब आपको। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं भुंतर, आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छी आ रही होगी। और यहाँ पे हम एक बार दोबारा उस दोस्त का वेट कर लेते हैं जिसके हम वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है जी, अब मिलते हैं आपको जब वो आता है उसके बाद। तो ये वो बंदा है जिसका वेट हम कई लाखों करोड़ वर्षों से कर रहे हैं, अरे तेरी एनएस ले गए बंदे। दोस्तों ये वो जिसका वेट हम लाखों करोड़ों वर्षों से कर रहे हैं, चलो सर है। अच्छा लगा दोस्तों आज मिलके, और राइड में तो मतलब तबाही होने वाली है, फुल ऑन बाबा फुल ऑन, ये देखो एक एनएस और 125।
दोस्तों हमारे साथ एक बार दोबारा क्लोज हो गई है, हमारी वॉइस उस टाइम नहीं आ रही थी, तो अब हम ये वॉइस ऐड कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो मतलब फुल ऑन हाईवे में, मतलब फुल ऑन स्पीड 80, 70, 60, ये वाह वाह फुल ऑन मज़े। और ये बाकी आप चेक कर सकते हो, हमारा दोस्त हमारे से बहुत आगे निकल गया है 125 लेके, बिकॉज हम उतना भगा नहीं रहे हैं, हम नॉर्मल चले हैं। तो दोस्त देख सकते हो आप दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, तो अभी हम थोड़ी देर में पकड़ेंगे अच्छी खासी स्पीड। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो, ये देख सकते हो आप 110 से 111। तो दोस्तों अभी ये तो एक ट्रेलर है, आगे के पार्ट में मोटा ही कैर होने वाला है, आप देख सकते हो मोटा ही कैर होने वाला है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों बाकी आप अगले पार्ट का वेट कीजिए, बाकी मिलते हैं। आप देख सकते हो दोस्त हमारा दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता, दिख रहा है तो आप उसको पकड़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप आगे हमारा दोस्त हमारे को दिख रहा है, और ये मेरी स्पीड आप चेक कर सकते हो 101, 299। और ये दोस्त देखो साथ साथ ही चल रहे अब, बिकॉज़ हम आगे नहीं निकलेंगे, बिकॉज़ जो हमारे ग्रुप को लीड ये कर रहा है फ़िलहाल, हम दो ही बाइक हैं, वो देख सकते हो आप 125 और हमारे पास NS 160, क्या ही लीन। और ये है मतलब दोस्तों कुल्लू और मनाली का हाईवे, तो देख सकते हो आप हाईवे में चढ़ने की स्पीड नॉर्मल ही है, वैसे हम ज़्यादा भी नहीं रैश कर रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना। तो अभी तो दोस्तों ये राइड की शुरुआत है, अभी आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस लेवल की तबाही हो रही है। तो दोस्तों प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना और नेक्स्ट पार्ट का वेट भी अच्छे से करना, और ये देख सकते हो दोस्त का